जो काम हो रहा है उनको काम करने वाला ही मार्गदर्शन कर सकता है। मार्गदर्शन कार्यकर्ता कर सकता है। आप कार्य कर रहे, मैंने भवराव देवव्रत सेवान्यास का कोई काम किया नहीं है, बस उन्होंने बुलाया मैं आया, उसके कारण उनको लगता है कि उनका उत्साह बढ़ा, तो मेरा किया कराया नहीं है, वो उनके अंदर की भावना है जो उनका उत्साह बढ़ाती है। तो कुछ भी ना करने वाला क्या बोले, क्या मार्गदर्शन करे। उसके बाद ये बात है कि मार्ग दो बिंदुओं के बीच में होता है। एक आदमी कहां है वहां से उसने कहां जाना तय किया है, यह निश्चित होने के बाद ही मार्ग तय होता है। तो आप कहां है, आपने अपना एक स्थान अपनी सेवा से उत्पन्न किया है, वहां आप है, आप उसको भलीभांति जानते हैं, और अभी आपने अपनी भावी योजना भी यहां घोषित कर दी है, तो वहां तक जाना है, तो मार्ग तो निश्चित हो गया, आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं। परंतु मुझे संघ में फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर ऐसा कहते हैं, तो गाइड तो आपको आवश्यकता नहीं है, और फ्रेंड तो हूं ही, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, और अच्छा काम करने वाले सभी मित्र जगत के मित्र होते हैं, हम उनके मित्र ऐसा नहीं, वो सबको अपना मित्र बनाते हैं। अब रही बात फिलोसोफर की, तो ये चीज भाषण में बड़ी काम आती है। तो ये जब सब कुछ हो रहा है और सब जानते हैं क्या हो रहा है कैसे करना है, उसके बारे में तत्व की चार बातें बोलकर, क्योंकि सबसे लंबा समय मेरे लिए रखा गया है, काम करने वाले 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बोले हैं, मेरे लिए उन्होंने 50 मिनट का समय रखा है, तो कुछ तो यहां सुबह भोजन किया उसको न्याय देना पड़ेगा, कुछ भी काम करता नहीं, एक काम दिया है वो जितना हो सके उतना करना। इसी भावना से मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं, न्यास के लिए, न्यास के कार्यकर्ताओं के लिए केवल नहीं, उनके लिए है और वो जानते भी है, और भी जानने वाले बहुत यहां बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी को नहीं मालूम, और मालूम है तो भी विस्मृत हो गई, उनके पुनर्स्मरण के लिए कुछ बातें बता रहा। यह सेवा का कार्य है, तो सेवा का कार्य क्यों होना है, क्योंकि हमारे यहां जीवन का दिखने वाला भाग यही माना गया है। यानी एकांत में आत्मसाधना और लोकांत में परोपकार, ये मनुष्य के जीवन की परिभाषा हमारे यहां परंपरा से चलती आई है, और जिसका जीवन ऐसा है वो दिखने में कैसा भी हो, उसके पास पैसा हो या नहीं हो, किसी पद को उसने प्राप्त किया नहीं किया हो, हम अपने बच्चों को उसी की कहानियां बताते हैं। बहुत से लोग वैसा होने का प्रयास करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन सब लोग अपने बच्चों को उन्हीं की कहानियां बताते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के पास एक ढेला नहीं था, उन्होंने कमाया कुछ नहीं, घर में दारिद्र था, उस दरिद्रता की अवस्था में उनकी माता के लिए खेतड़ी के राजा साहब 100 रुपया मनी ऑर्डर भेजते थे, तब उनका और उनकी भाइयों का निर्वाह चलता था। विवेकानंद ने कुछ नहीं कमाया। ग्राम पंचायत में भी चुन के नहीं आए कभी, कोई सत्ता स्थान नहीं मिला।
सर्वधर्म परिषद के लिए वहां गए शिकागो, तो उस भूमि में पहुंचने के बाद कुछ नहीं था पास में, तो जहाज में लोड होने के लिए खोके पड़े थे लकड़ी के कार्डबोर्ड के, उसमें उनको एक रात गुजारनी पड़ी। इतना अकिंचन, और उस समय तो अप्रसिद्ध थे बिल्कुल, और आप में से किसी ने उनको देखा नहीं, वो पीढ़ी चली गई। और अपने भ्रमण के दौरान वो ऋषिकेश में तो आए थे, लेकिन जो 7.5 लाख स्थान भारत के माने जाते नगर ग्रामों को मिलाकर, उसमें कितने जगह वो स्वयं गए थे मालूम? रिश्ते में हमारे कुछ लगते नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद का नाम भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, केवल भारत का नहीं दुनिया के बहुत सारे व्यक्ति जानते हैं। हम श्राद्ध अगर करते हैं और करते समय ध्यान रखते हैं तो पिताजी के तरफ के 3 पूर्वज और माताजी के तरफ के 3 पूर्वज इतने हमको प्रतिवर्ष सुनने के लिए मिलते हैं। चौथी पीढ़ी उसके पहले की, हमारे पहले 8वीं पीढ़ी के पूर्वज हम नहीं जानते, वो हुए इसलिए हम हुए हैं, लेकिन हम उनके नाम को भूल गए और हमारा कोई संबंध नहीं है ना हमारी पीढ़ी के है, न कुछ कमाया, न कहीं कुर्सी पर बैठे। लेकिन स्वामी विवेकानंद सबको पता है, देशभर में उनकी मूर्तियां लगी है, क्योंकि हमारी ये भावना है। और ये हमारी केवल भावना नहीं है, ये सत्य है कि मनुष्य जीवन के मनुष्यता की, मनुष्य के भीतर धीरे धीरे प्रस्फुटित होने वाली दिव्यता की व्यावहारिक अनुभूति, व्यावहारिक अभिव्यक्ति सेवा है। मनुष्य और पशुओं में यही एक बात फर्क करती है। लोग कहते हैं मनुष्य पशुओं से इसलिए अलग है कि उसके पास बुद्धि है, कॉग्निटिव बुद्धि है, वो देखता है, समझता है, विचार करता है, निष्कर्ष निकालता है, उसके आधार पर और कुछ आगे बढ़ता है। लेकिन अब यह केवल मनुष्य की विशेषता नहीं है, अब यह भी पता चला है कि ऐसा तो चिंपांजी भी करता है, ऐसा तो व्हेल मछली भी करती है, डॉल्फिन्स भी करते हैं। भाषा सहित कई बातें मनुष्य की जो विशेषताएं मानी जाती थी, वो कम अधिक प्रमाण में पशुओं में भी मिलती है। तो मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य की विशेषता है संवेदना। वो केवल अपने दुख दर्द का, सुख का विचार नहीं करता, जो दूसरे है ऐसा दुनिया में दिखता है। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, आप सुन रहे, तो आप दूसरे हो गए, मैं इधर हो गया, दिखता ऐसे है, लेकिन वो दूसरा कोई दुख में है तो अकेला मनुष्य सुखी नहीं होता। बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप अनुभव कर सकते हैं। आपके मन में बड़ा आनंद है, हंसते खेलते हैं, आप खेल रहे, चल रहे, बड़ा आनंद है, लेकिन एक ऐसे घर में पहुंच गए या जगह पहुंच गए जहां पर कोई हादसा हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, सब लोग गंभीर है, तो आप वहां पर हंसते खेलते नहीं रह सकते, और आप बड़ी निराशा में है, बड़े उदास है, लेकिन मित्रों की हंसते खेलने वाली संगति में पहुंच गए तो आपके न चाहते हुए भी आप हंसते हैं। ये अनुभव ले लीजिए, लिया ही होगा आपने, ये अपना अनुभव है। ये संवेदना है, ये क्यों है? अस्तित्व की एकता के सत्य के कारण है, इसलिए अपने आप पर घर में बूढ़ी दादी या नानी शिशु को समझाती है, बेटा सूर्यास्त के बाद पेड़ों को हाथ मत लगाना, वो भी सोते हैं, यानी उसका भी जीवन है, उसको भी सोना है, जीना है,
ये सारी बातें मनुष्य भांप लेता है और ये हर एक मनुष्य में सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि विश्व की एकता इसी धागे से जुड़ी है। सब अलग अलग दिखने वाला विविध प्रकार का पशु वनस्पति प्राणी जड़ चेतन चराचर अणु रेणु, ये कितना भी अलग दिखता हो लेकिन वो अंदर से जुड़ा है। इस सत्य को हमारे पूर्वजों ने पहचाना, जो नित्य की अनुभूति मनुष्यों की है उसके पीछे का रहस्य उन्होंने जाना, और इसलिए जीवन की एक विधा परंपरा के नाते अपने यहां जो चलती आ रही है वो यही है कि मनुष्य उस सत्य को पकड़े और ये प्रत्यक्ष अनुभव करे कि मेरे में भी वही है, वो दूसरों में जो दूसरों में है, सब में मैं हूं और मुझ में सब है। दिखने वाला जो अलग अलग है वो एक दिन चला जाता है, वो वहां तक जाता है उसके बाद नहीं है, लेकिन जो दिखने वाला है उसके दिखने के पहले भी वो एकता थी, ये दिख रहा है तब भी है और ये नहीं दिखेगा फिर से तब भी वो रहेगी। इसलिए सेवा को धर्म कहा गया है, सेवा धर्मो परम गहना। धर्म वो है जो समाज को जोड़ता है, बांधता है, ऊपर उठाता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता। केवल संपर्क से नहीं होता, केवल नेटवर्किंग से नहीं होता है। संपर्क का अर्थ कॉन्टैक्ट नहीं है केवल, वो तो एक दूसरे के मन को जानना, आपके मन की बात बिना कुछ आपके कहे मैं देखकर समझ लेता हूं, मेरे मन की बात बिना कुछ मुझे सुने आप लोग समझ लेते हो, इतना अंतर्गत तादात्म्य स्थापन करना, इसको संपर्क कहा गया है। और इसलिए भगवान भी कहते हैं कि लोक संग्रह करना है, उस लोक संग्रह की पहली सीढ़ी है लोक संपर्क, दूसरी सीढ़ी है लोक संस्कार और तीसरी सीढ़ी है लोक योजना। सेवा लोक संग्रह के लिए की जाती है, सेवा किसी पर उपकार नहीं है। अभी विश्वस्त मंडली बैठी थी, उन्होंने अपने अनुभव सुनाए और अनुभव का एक समान निष्कर्ष यह है कि हम सेवा करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। अपने बंधुओं को अच्छा जीवन मिले इसलिए हम सेवा करते हैं, होता है उनमें भी परिवर्तन होता है, उनको अच्छा जीवन मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारा अपना जीवन बदल जाता है। हम जब कहते हैं कि सेवा बड़ा पुण्य का काम है तो वो पुण्य स्वर्ग में आपकी सीट रिजर्व होती है ऐसा नहीं है, वो पुण्य ऐसा है कि आपके जीते जी आपका जीवन इस पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाता है। अपने सारे पाप चालित हो जाते सेवा करने और लोगों में संपर्क स्थापित होता है। संपर्क नहीं है तो समस्या है। आज दुनिया के सारे कलह देखिए आप, बहुत सारे युद्ध चलते हमने का नाम नहीं लेते, और कारण क्या है, ये मन का मन से संपर्क टूट गया है। कभी यही सारे लोग इकट्ठा रहते थे, आप इतिहास देख लीजिए, परंतु धीरे धीरे संपर्क विच्छेद हो गया, फिर एक की बात दूसरे को समझ में न आवे इसलिए झगड़े हो गए, झगड़े होने से दूरियां और बढ़ी और इस कगार पर आ गए कि दुनिया तबाह हो गई तो परवाह नहीं लेकिन उसको तो मार देंगे,
मैं तबाह हो गया तो परवाह नहीं, उसको तो नष्ट कर दूं। यहां तक बातें जाती कैसी है, क्योंकि विचार में इसका विचार नहीं है, अधूरी दृष्टि है। सब लोग अलग अलग है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैगमेंटरी अप्रोच, वो होने के कारण सब अलग अलग है, एक से दूसरे का कोई वास्ता नहीं। ये जब समझ में आता है कि हम जब किसी को नष्ट करते हैं तो हम अपने आप को भी नष्ट ही करते हैं। मैं जब एक पेड़ तोड़ता हूं तो मेरे जीवन की आगे की कुछ संभावनाएं मैं बंद कर देता हूं सदा के लिए। अपने उन्नति के लिए कुछ करता हूं, उससे दूसरों का नुकसान होता है तो मेरी उन्नति नहीं होती, मेरी अधोगति ही होती है, मैं विनाश की ओर ही जाता हूं। इसलिए तथागत ने अनुशासन अपना देते हुए कहा सब पापस्य अकरणम्। ये पाप क्या है? परपीड़ा। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़न, नहीं करना। कुशलस्य उपसंपदा, आजीविका अपनी करो, अपने जीवन को बनाओ, लेकिन कुशलता पूर्वक। और कुशलता की दो बातें हैं, एक है जो करते हैं वो उत्तम होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। आप जो करते हैं वो केवल काम नहीं है आपका, स्वकर्म कुसुमों से आप भगवान की पूजा कर रहे हो। जीवन भगवान की पूजा है, जीवन जीना उसकी आराधना है। इसलिए जो करोगे वो उत्कृष्ट है। भगवान की पूजा में उपकरण लाएंगे, बर्तन लाएंगे, आप साफ करके लाएंगे, चमकते हुए नजर आएंगे, फूल लाएंगे, बासी नहीं लाएंगे, ताजे तोड़कर लाएंगे, बिना सूंघे अनाघ्रात भगवान को अर्पण करेंगे। तो अपना काम भी उत्कृष्ट होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के चरणों में अर्पित होने वाला है। और दूसरी बात है कि उससे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। वो अगर धर्म का काम है तो उसमें सत्य होना चाहिए, उसमें करुणा होनी चाहिए, उसमें शुचिता होनी चाहिए, और वो तपस्से संपन्न होने वाला होना चाहिए। अनायास मिल गया, किसी का ध्यान नहीं था, मैंने उठा लिया, मेरे पास है उसमें समाधान नहीं, उसका भी चाहिए, छीन लिया, ये सब नहीं चलता। ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होता है, आगे वो कहते सब पापस्य अकरणम् कुशलस्य उपसंपदा सत् चित्त परियोदपनम्। इससे चित्त शुद्धि करते जाओ, ये परिश्रम का काम है, तपस है, उसके कारण शुचिता प्राप्त होती है। शुचिता प्राप्त हुई तो सत्य प्राप्त होता है, और सत्य मिल गया इसका अनिवार्य लक्षण यह है कि मैं ये समझता हूं कि जो मुझ में है वही आप में है, तो आपके दुख दर्द की संवेदना मेरे में होती ही है, और वो दूर करने के लिए स्वयं के दुख की परवाह न करते हुए मैं काम करूं। ऐसे हम थे, हम जब ऐसे थे तब हम सब बातों में दुनिया के आगे थे, दुनिया के नायक थे। विद्या हो, धन हो, बल हो, ज्ञान हो, सब बातों में भारत की ओर लोग देखते थे, भारत का अनुसरण करते थे, भारत की भूमि को उसके लिए पवित्र मानते थे। भारत में जन्म लेना ये कितने मनुष्य जन्मों के पुण्य का फल है, प्रार्थना करते थे भगवान हमको भारत में जन्म मिले। उस पुण्य के कारण आज भी दुनिया के लोग ऐसी प्रार्थना करने वाले हैं कुछ। परंतु जिस दिन हमने इसको भुला दिया उस दिन से क्या हुआ, हम भूल गए, इसलिए हमने परवाह नहीं की, हम एक दूसरे से दूर होते चले गए, आपस में झगड़े भी होते चले गए, फिर हमारा स्वार्थ पूरा करने के लिए हमने बाहर वालों को बुलाया। हमारे लिए तो बाहर वाला कोई होता नहीं, लेकिन दूसरे को बुलाकर उसके हाथ से सांप मरवाया, सांप जिसको हम समझते थे, और इसलिए हम गुलाम बने।
फिर हमारा शोषण हुआ, हमारा धन चला गया, क्योंकि हमने अपने स्वत्व को भुला दिया ना। ये हमारा स्वत्व है, भारत का स्वत्व है, यही हमारा सत्य है। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के बाद बन गए साम्राज्य के, त्रिभुवन के साम्राज्य के अधिपति। तो इंद्र ने सोचा कि नारायण को प्रसिद्ध किया इसका विध्वंस करने के लिए, क्योंकि हमको त्रिभुवन का राज्य मिले, लेकिन तो उल्टा ही हो गया, उसी का लड़का बैठ गया। तो अपने गुरु को पूछा कब क्या करना चाहिए, बृहस्पति ने कहा आपको समझ करो। वो अपने पुण्य के बल पर, अपने शुद्ध निष्कलंक चारित्र और भक्ति के आधार पर वो नारायण का कृपा प्राप्त है, उसको प्रसाद मिल गया। अभी मत कुछ करना, अब रुको, राज्य चलने दो, अभी जाना उनके पास मांग लेना। तो कितने हजार वर्ष होने के बाद पता नहीं, लेकिन दरबार में याचक बन के इंद्र चले गए और प्रहलाद को कहा कि आपकी प्रतिज्ञा है, याचक दरबार में आता है विमुख नहीं जाना चाहिए, तुम्हें जो मांगूंगा आप देंगे ऐसा बताइए, आपका ये तो प्रण है। प्रहलाद ने कहा ये मेरा प्रण है, वो मैं पूर्ण करूंगा, तुम जो मांगोगे दूंगा, मुझे पता चल गया कि तुम इंद्र हो और तुम क्या मांगने वाले हो, इसका भी अनुमान मेरे पास है, लेकिन वो भी तुम मांगोगे, राज्य मांगोगे, मैं दे दूं। इन्हें कहा नहीं नहीं राज्य हमको नहीं चाहिए, हमको आपका बहुत शुद्ध सत्व है वो दे दीजिए, मैं उससे आकर्षित हूं, बाकी राज्य वगैरह उसकी चाह नहीं। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है, उदक पात्र लाया, संकल्प किया, पानी छोड़ दिया, सत्व प्रहलाद ने दे दिया, उसके शरीर से सत्व पुरुष एक आकृति निकली और चली गई इंद्र की। प्रहलाद ने पूछा आप कौन हो, यहां क्या कर रहे थे मेरी शरीर में, वहां क्यों जा रहे हो? उसने कहा भाई मैं तुम्हारा सत्व हूं, तुमने दे दिया, मैं जा रहा हूं, गया। उसके बाद एक दूसरी आकृति निकली, भाई आप कौन हो और आप क्यों जा रहे हो, सत्व को मैंने दे दिया वो तो गया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा बल हूं, बल सत्व का होता है, सत्य सत्व सत्व इन्हीं का बल होता है, तुमने वो दे दिया तो मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूं। और एक निकले, उन्होंने कहा आप तीसरे महाशय हो, जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन हो? उसने कहा मैं ओज हूं, जहां सत्व और बल है वहां ओज रहता है। ये दोनों उधर चले गए तो मैं उनके पीछे जा रहा हूं। फिर एक माता जी निकली, प्रहलाद जी ने कहा ये माता जी आप कौन हो, आप क्यों मुझे त्याग रही हो, मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूं, जहां सत्व बल और ओज है वहां मैं रहती हूं, ये तुमने उनको दे दिया, मैं उनके पीछे जा रही हूं। एक सत्व का हरण करके इंद्र ने सारा कुछ ले लिया। हम अपने भारत के इतिहास को देखेंगे तो ऐसा ही है, सत्व हमने छोड़ दिया और हम इस स्थिति में आए। अब आज की स्थिति देखिए, संपर्क नहीं है, दरिद्री हो गए आक्रमणों के कारण, सुजल सुफल मलय जो शीतल मातृभूमि अभी भी हमारे पास है, लेकिन वो अपने तरफ से प्रयास करती है हमको सुख में बढ़ाने की, लेकिन हम ऐसे कर्म दरिद्री हो गए कि उसका लाभ नहीं ले सकते, और अभी भी दुख है, अभाव है। इसका लाभ बाकी लोग लेते हैं, जिनको भारत को बलवान नहीं बनाने देना है, भारत के बड़े होने से जिनके स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, ऐसी ताकतें दुनिया में है और वो प्रयास करती है कि भारत कभी उठे नहीं। ऊपर से चिकनी चुकड़ी बातें करेंगे, वाह वाह करेंगे, परंतु अंतस्थ हेतु सब समझते हैं, हम भी जानते हैं, जिनको जानना है वो भी जानते हैं। उनका ये सतत उद्योग रहता है कि आपस में हम बटे रहे, आपस में लड़ते रहे,
अब इसको भी ठीक करना है और ये नहीं होता तो भी, ये कैसे संभव है भाई? हम एक राष्ट्र है, हम एक समाज है, हमारा एक शरीर है, जन गण मन ऐसा हम कहते हैं, हम मन से एक है। कितना भी कुछ दिखता हो, कितने भी झगड़े होते हो, कितनी भी ऊट पटांग बातें हम एक दूसरे के बारे में कहते हो, जब भारत की सीमा पर आक्रमण होता है सारा देश ये सारे भेद भूल जाता है और खड़ा हो जाता है उतने समय के लिए। ये कहां से आता है? ये अंदर का सत्य है। कोई महापुरुष ऐसे हैं जिनको लेकर हम देश में जाते हैं तो किसी का विरोध नहीं है, सब उस महापुरुष के स्मरण में जुट जाते हैं। विवेकानंद एक ऐसा नाम मैंने बताया, शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम है। पौराणिक काल से अभी तक के भारत के सारे जीवन पर्व में ऐसे नाम है जिनके बारे में सारा देश एक मत है। उन पूर्वजों को हम अपने गौरव मानते हैं, अपने आदर्श मानते हैं। और कुछ बातें हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे भारत में, केवल आज का भारत नहीं, जो पहले भारत था वो पूरी सीमा देख लीजिए, उसमें वो बातें हैं, बाकी दुनिया में नहीं है। इस पूरे भूभाग में रहने वाले आज किसी देश के नाम से जाने जाते हो, किसी पूजा का अवलंबन करते हो, आपस में बहुत विरोध भी रखते, लड़ते भिड़ते भी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनके रोजमर्रा के जीवन को देखें तो कुछ बातें उनमें समान है। कहां से आई पता नहीं चलता, कहीं भी जाओ इस भूभाग। कुछ आप खरीदो, पैसा दो, पूरा तोल के ले लो, उसके बाद एक मुट्ठी और मिलता है, अनेक नाम है उसकी, पस्तूरी उधर महाराष्ट्र में कहते हैं, पासंग ऐसा नाम है। 100 आम खरीदो, ऊपर से 5 मिलता है। क्यों मिलता है? किसी ग्रंथ में है क्या? प्रवचन में महात्मा परंपरा से इसको बता रहे क्या? नहीं है। मांगने वाला आता है, उसको देना है तो बच्चे के हाथ से दिलवाते हैं, वो सीखता है, अपने घर में भरा पड़ा है, जरूरतमंद आ गया, परिचित हो न हो, वास्तव में उसको चाहिए नहीं चाहिए विचार नहीं, मांग रहा है ना, देना, अपने राशि से उठाकर उसको देना। हमारा स्वभाव बनाने वाली कुछ बातें ये सब में चलती है। आज हम भले ही कहो हम ये नहीं है वो नहीं है, हम भारत के नहीं है, हम हिंदू नहीं है, ये सर्वत्र ये है। शादी ब्याह में पहना जाने वाले वेश से लेकर उसमें चलने वाले गीतों से लेकर कई बातें ऐसी चलती है। ये जो सत्य है अंदर का वो बाहर लाना है, क्योंकि हम एक है और हम एक है, इसका मतलब है कि हम में से एक भी पीछे रहा तो हम सब पीछे है। आप कितना भी अपने बलबूते आगे जाओ, आपका बड़ा पहलवान जैसा शरीर है, कोई रोग होता नहीं, कुछ नहीं, अच्छा आहार, अच्छी निद्रा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक पैर लूला लंगड़ा है तो आपको लोग पहलवान कहेंगे नहीं, कितने भी बड़े आप दिखते हो आपको लूला लंगड़ा ही कहेंगे। ये हो नहीं सकता एक राष्ट्र पुरुष एक समाज पुरुष में कि कुछ लोग आगे चले जाए और बाकी लोग पीछे रहे। हमारा अपना एक रूप है, हमारे परिवार के कारण पूरे परिवार का एक रूप है, वैसे हम जिससे अभिन्न रूप से जुड़े ऐसे एक समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में हमारा एक रूप है। हम बड़े सुंदर है लेकिन परिवार में गड़बड़ है तो जैसे हमारा रूप कलंकित होता है, वैसे हम और हमारे परिवार अच्छे रहे लेकिन समाज में कुछ त्रुटियां है, अभाव है, दुख है, राष्ट्र में कुछ कमजोरी है, तो हमारा सबका मिलकर एक जो रूप है वो दुनिया में कलंकित होता है, अप्रतिष्ठित होता है,
और इसलिए हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे लोग, इस समाज के लोग, एक राष्ट्र के लोग जहां भी है वो असुरक्षित हो जाते हैं, अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा भी एक शासक निकला ईडी अमीन नाम का, उसने 3 दिन का नोटिस देकर सब भारतीयों को निकाल दिया, शरीर पर जितने कपड़े उतने लेकर चले जाओ, उनको जाना पड़ा, देश विदेश में जाकर बसना पड़ा, बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी, फिजी में से निकाल दिया गया। वहां तो भारत की परिस्थिति नहीं थी, लेकिन कैसे निकाले गए, इसलिए कि उस समय भारत के बल की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, और इसे जो मर्जी आए करो, भारतीयों के साथ कोई पूछने वाला नहीं। आज ये परिस्थिति बदल गई है, और अधिक बदलनी चाहिए, बदलेगी, पर क्यों बदली है, भारत के बल की एक प्रतिष्ठा हो गई। अरे भाई, भारत के खिलाड़ी अव्वल आ सकते हैं, भारत भी चंद्रमा के दक्षिण भाग में जहां कोई आज तक गया नहीं वहां अपना यान उतार सकता है। भारत डटकर सीमा में खड़ा रहता है, उपद्रवियों को अंदर घुस के मारता है। ये प्रतिष्ठा भारत की बनी तो दुनिया भर के भारत उनकी गर्दन ऊंची होंगे, पूछ लीजिए बाहर रहने वाले किसी को, वो बताएगा आप। और इसलिए अपना यह समाज पुरुष निर्दोष होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए, यह हमारा सबका कर्तव्य बनता है, और यही बात हमारे मनुष्यता को शोभा देती है। नहीं तो हम काय के मनुष्य है, अकेले खा रहे हैं, दूसरों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी परवाह नहीं, ये कैसे हो सकता है। और संघ के स्वयंसेवक सेवा करते इसलिए सेवा करते, संघ के स्वयंसेवकों को शाखा में जो पाठ मिला है वो यही मिला है, बाकी कुछ हम करते नहीं, उनको एक ही बात पढ़ाते, ये हमारा समाज है, ये हमारा राष्ट्र है, निश्चय इसका प्रत्येक व्यक्ति हमारा अपना है, और अपना जीवन उनके लिए जीने में है, उनके लिए मरने में है। तो एक स्वाभाविक बात होती है कि जैसे जैसे संघ की शक्ति बढ़ती है ऐसे काम खड़े हो जाते। एक बहुत बड़े व्यक्ति मेरे पास आए कुछ साल पहले, और उन्होंने कहा कि भागवत जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि हमने बहुत कमा लिया, अब हमारी 5-7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती, अब हमको लगता है कि इस धन का उपयोग देश के लिए करना है, सेवा के लिए करना है, और आप बहुत सेवा करते हो संघ के लोग, तो आपका मॉडल हमको समझाइए, हम वैसी सेवा करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि ये बिल्कुल मत कीजिए, आप हमारे मॉडल की सेवा मत कीजिए, आप अपने सोचिए, अपना मॉडल बनाइए, सेवा कीजिए, उसमें जो भी सहायता आपको चाहिए हम करेंगे, लेकिन ये हमारा मॉडल आपका नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बन सकता, मैंने कहा कि देखिए, आपने आपने ही बताया इतना कमा लिया कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी और आप सेवा करेंगे, अच्छी बात है, हमारा 100% समर्थन है, ये बहुत उत्तम विचार आपके मन में आया, आप कीजिए, हम मदद करेंगे, लेकिन हमारा मॉडल कैसा है कि हमारा स्वयं सेवक वो खुद फटा कुर्ता पहनने वाला है, और उसको दुख दिखता है कहीं पर, वो जाके लग जा, विचार भी नहीं करता। अभी इन्होंने 21 महीने में बनाने का वचन दे दिया, कुछ विचार किया था, किया था क्या, कोई विचार नहीं किया, हिसाब नहीं किया था। ये यहां इतने सारे हॉस्पिटल ये सारे बने हैं, तो कुछ विचार किया था क्या, कैसे बनेगा, इतना बजट लगेगा, ये सेंटर्स होंगे, ऐसा नहीं, जहां आवश्यकता दिखती चली गई, काम करते चले गए, अपना समाज ऐसा है वो कम पड़ने नहीं देता, और इसलिए काम खड़ा होते गया। मैंने उनको कहा कि ये आपसे नहीं होगा, आप अपनी योजना से कीजिए, बजट बनाइए, सेंटर्स बनाइए, क्या करना चाहिए कीजिए, कीजिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे, आपका संकल्प बहुत अच्छा है, सबके संकल्प है, परंतु अलग प्रकार से है, हमारा संकल्प ऐसा है, क्योंकि ये दुख देखा नहीं जाता। जयप्रकाश बाबू दिल्ली के शिविर में आए बहुत पहले, 60 के दशक की बात,
और आए देखा उन्होंने शिविर। बाद में प्रमुख कार्यकर्ताओं का परिचय, कुछ 30-40 कार्यकर्ता थे, परिचय प्रत्येक हमारे यहाँ बताते हैं, संघ आयु यानी कितने साल से संघ में है, तो बता रहे 40 साल, 30 साल, 50 साल। तो पूरा परिचय होने के बाद जयप्रकाश जी ने प्रश्न पूछा स्वयंसेवकों को कि इतने साल एक काम में आप टिके रहे, ऐसी क्या बात है? तो एक कार्यकर्ता खड़ा हो गया और उसने कहा कि देखिए, हम एक बात जानते हैं, इस समाज का दुख दर्द हमारे काम करने की प्रेरणा है। जब तक इस समाज में दुख दर्द है, हम काम करते रहेंगे, उसको मिटाए बिना हम चैन नहीं देंगे। प्रेरणा यह है, उपकार की भावना नहीं है।